आपका स्वागत है। हजारीबाग जिले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर बड़का गांव में आज है, और बड़का गांव का इतिहास क्या है ये आप सभी वाकिफ है। यहाँ के विधायक अम्बा प्रसाद है, और जो विधायक हो या केंद्र राज्य की सरकार हो, हेमंत सरकार हो, एक साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में आज हमारे साथ कोई नेता नहीं है, लगातार हम आप लोग को दिखाते हैं कि आज बीजेपी के नेता हैं तो कांग्रेस के हैं, जेएमएम के, लेकिन आज बड़का गांव में हैं और हमारे साथ कोई नेता नहीं है बल्कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जो सच्चाई है, धरातल की क्या सच्चाई है। पहले मिलवाते हैं, हमारे साथ संजय सागर जी हैं, सदानंद शर्मा जी हैं और नरेश जी हैं। बड़का गांव की जो सच्चाई है, जो धरातल में क्या एक साल में हो पाया है, चाहे वो रोजगार की बात करें या किसानों की बात करें, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकारों की जुबानी। मैं संजय सागर प्रभात खबर से हूँ और मैं अपने बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में झारखंड टीवी के पत्रकार मनीष जी को मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ की मुद्दों को उठाने का प्रयास करें, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप इस क्षेत्र के बारे में क्या जानना चाहते हैं? एक साल कितना बेमिसाल में यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, विधायक अम्बा प्रसाद जिस तरह से पहले काम करती नज़र आई, जिसे जब वो विधायक नहीं थी तब पर भी इस क्षेत्र में दौरा करती रही है, और आज भी उसी जज्बा के साथ, उसी जुझारूपन के साथ वो काम करती नज़र आई है। वैसे कोरोना काल में सरकार का जो फंड होता है वो विधायक के माध्यम से यहाँ पे नहीं आ पहुँचा, जिस कारण से विकास काल में थोड़ा सा धीमी नज़र आया, लेकिन अपनी ओर से विधायक अम्बा प्रसाद कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने खुद देखा पत्रकारिता करने के दौरान विधायक अम्बा प्रसाद को, जब कई लोग कोरोना के डर से घर में दुबके हुए थे, तो विधायक अम्बा प्रसाद शेरनी की तरह लोगों को मदद करती नज़र आई, अनाज का वितरण करती रही, सैनिटाइज़र का वितरण करती रही और ये मास्क का वितरण करती रही, और लोगों को विचार देती रही कि आप सामाजिक दूरी बना कर रहें और कोरोना से बचे, सबको बचाएं। इसके अलावा मैं देखा कि वह सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर भाग ली है, किसी का अगर ये छठियारी हो तो वहाँ पर चले जाना, किसी के जन्मदिन भी है तो वहाँ पर भी चले आना, शादी विवाह में आर्थिक सहयोग भी देने का काम की है। इसका मैं कई अब मेरे बड़का कई जगह हम उनके साथ में गया और मैं देखा, और अगर कोई गरीब व्यक्ति मर गए हो तो उनके परिजनों को ये आर्थिक सहयोग करने का काम किया है। इसके अलावा और मैंने देखा उनको कि कोरोना के काल में जो मजदूर बाहर में रह रहे थे उनको फोन से मतलब कॉन्टेक्ट करके वहाँ के सरकार से, वहाँ के मंत्री से, वहाँ के अफसर से लाभ दिलाने का काम किया। मेरे ही एक मोहल्ला में है सुनील कुमार और हेमंत कुमार, उन लोग मुंबई में रहते थे, मुंबई इन लोग के घर से अम्बा प्रसाद ये फोन ले करके वहाँ उनसे उन लोगों से बात की और मुंबई के अधिकारियों से बात कर उन लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया। ये तो मैं बेमिसाल देखा उनके अंदर। एक साल अम्बा प्रसाद जो एक साल बेमिसाल की बात जो कर रहे हैं आप, उसमें सचमुच में अम्बा प्रसाद बेमिसाल रही है। उसके पीछे यही कारण रहा कि वो कोरोना काल में भी बड़का गांव विधानसभा का दौरा करते रही और जनता के सुख दुख में साथ रही, इसलिए मैं अम्बा प्रसाद को धन्यवाद। सबसे बड़ा बात है कि बड़का गांव में जो कृषि क्षेत्र बहुल क्षेत्र माना जाता है, क्या हुआ उसमें? कृषि के क्षेत्र में तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। इनके पहले जो था इनकी माँ विधायक थी, उसने भी बोरिंग का कार्य करवाई है और आगे भी ये करवाने का कार्य कर रही है, लेकिन विधायक फंड नहीं आने से वैसा काम अभी कुछ नहीं कर। जो किसानों को वादा हुआ था, मतलब जो आप लोग ज़मीन में देखते हैं, जो रियल चीज़ देखते हैं, तो जो वादा हुआ था कि हम ये लाभ मिले किसानों को, चाहे वो मुआवजा की बात हो या जो ऋण माफ़ी की बात हो, कुछ वैसा? ऋण माफ़ी तो अभी प्रक्रिया में ही है, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, घोषणा है अभी।
50,000 तक माफ़ कर दिया जाएगा। वो किस तरह से माफ़ होगा, क्या होगा, इस पर तो जब माफ़ी का बात होगा उस पर बोला जाएगा। कितना बेमिसाल रहा एक साल? देखिए, बेमिसाल की बात आएगा तो झारखंड सरकार पूरे राज्य में जो काम की है वह बड़का गांव में भी बहुत कम दिख रहा है कोरोना काल के कारण। और हम लोग यहां देखे हैं कि विधायक रंभा प्रसाद भी उसी तर्ज पर झारखंड सरकार की जो भी योजनाएं हैं समय समय पर ला रहे हैं, और उनकी व्यक्तिगत जो विधायक मत होता है वह अभी सरकार द्वारा रिलीज नहीं होने के कारण वह क्षेत्र में नहीं दिख रहा। लेकिन सरकार का कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे नापो के पंचायत के डोकाटांड में एक अस्पताल का शिलान्यास की है लगभग 2.5 करोड़ का। यह एक साल का कहिएगा तो बहुत बढ़िया काम है। प्लस इस परिवार के जितने भी पिताजी हैं, माँ हैं, वो विस्थापन के कारण बड़का गांव केरेडाड़ी इनका दो जो प्रखंड इधर है, ये दोनों प्रखंड में एनटीपीसी अन्य कंपनियां जो भी आई हैं उनमें लड़ाई के कारण यह परिवार यहां जाने जा रहे हैं। और भविष्य में भी लोग इसी आशा उम्मीद के साथ उन पर आशा भी लगाए हुए हैं कि एक ही वह नेता हैं घर परिवार जो अपना पूरा परिवार को निछावर कर दिए हैं विस्थापन को लेकर। रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार कंपनी जो आई है वो रोजगार दे रही है, अधिक से अधिक लोगों को वह इन्वॉल्व करती है। रही बात कंपनी के साथ विरोध के कारण इनको तरजीह नहीं दी जाती है। जो हम लोग देखते हैं कि अधिक युवा रोजगार मिले, इस पर कुछ यहाँ का कुछ कदम उठाया जा रहा है या नहीं, ऐसा कुछ आप लोग को देखने में? आप लोग तो अखबारों में छापते हैं कुछ ना कुछ। जैसे सीधा सीधी है, अभी यहाँ एनटीपीसी कंपनी जो है उसका कहना है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, इनकी जो अधीनस्थ कंपनियां हैं इनके संपर्क में जो कंपनी है वे स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार से जोड़ रही है। साइड की कंपनी जैसे त्रिवेणी है, एकमात्र कंपनी जो अभी त्रिवेणी बहुत लोगों को अपना पोषक क्षेत्र में रोजगार दी है, लोगों को इन्वॉल्व की है, मुआवजा भी। ये अबर कोरोना काल में जो है 2 महीना यहाँ आंदोलन हुआ ट्रांसपोर्टिंग और खनन को लेकर के, उसमें भी इनका जो है घोषणा हेमंत सरकार द्वारा की गई कि नहीं 5 लाख रुपया प्रति एकड़ जो पहले 20 लाख मिलता था आज 25 लाख के तौर पर एनटीपीसी देगी। हालांकि वो रैयत लोग जानेंगे कि पेमेंट शुरुआत हुई है या ना हुई है, ये तो कंपनी और रैयत के बीच का तालमेल का है, लेकिन यह सिर्फ अभी घोषणा हुआ है, उसका अमली जामा भी नहीं है। आप लोगों ने सुना कि यहाँ की जो विधायक है किस तरह से कार्य कर रही हैं। कोयला किसान अभी भी जो 5 साल पहले का नज़ारा था वो अभी भी वही है, क्या कुछ परिवर्तन आना चाहिए? हाँ, परिवर्तन तो चाहिए। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की माली हालत कहीं से भी सुधर नहीं रही। ये जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसको सिर्फ बड़का गांव से जोड़ के नहीं देखा जाए। लेकिन किसानों की जो माली हालत है इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ की विधायिका हो, उस पर अगर मंथन नहीं किया जाता है तो किसानों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जहाँ तक रही बात कोयले की, तो कोयले का तो भंडार है बड़का गांव, और हमारे अनुमान से 15 से 20 कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं। उसके बाद क्या हर्ष होगा, अगर आपको दूसरे जगह धनबाद वगैरह झरिया के बारे में जानते होंगे तो वही स्थिति बड़का गांव की होने वाली है। और इससे एक चीज़ और है कि कोयला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा और कि एनटीपीसी बहुत सारी कंपनियां आ भी रही हैं, लेकिन जो बिजली की सिचुएशन है, जो बिजली होनी चाहिए बड़का गांव क्षेत्र में वो नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का सबसे बड़ा मुद्दा ये बिजली। हाँ, बिजली एक ऐसा है जो सिर्फ किसान के लिए नहीं, सबों के लिए आज बिजली जो है सो हम का आवश्यकता में हो गया है, और बिजली नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राज्य सरकार का भी इसमें दोष है कि डीडीसी कहती है कि हमको पैसा इतना बाकी है,
वो सेट डाउन करती है, कुछ न कुछ समय बिजली काट लेती है। कुछ समय पहले कुछ बिजली अधिक था, फिर कटने लगा है, फिर उसको पैसा दिया जाएगा, फिर बिजली मिलने लगेगा। लेकिन वो 24 घंटा का जो बिजली है वो अभी तक किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कृषि कार्य प्रभावित है। अगर संजय सागर जी का फेसबुक पेज में जाए या फेसबुक में जाए तो लगातार वैसे फ़ोटो डालते हैं, चाहे वो कभी पिकनिक साथियों के साथ पिकनिक में हो, वो लगातार कुछ कुछ खोजते रहते हैं, इन्हीं से जानते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। बड़का गाँव में किस तरह का विकास पर्यटन के क्षेत्र में होना चाहिए और कहाँ इसका देखते हैं कि जो लोग, चाहे वो पकड़ी बरवाड़ी का बात हो, चाहे इसको का बात हो या बुढ़वा महादेव के बात हो, और कुछ वैसा क्या है जिसे जिला प्रशासन को देखना चाहिए, यहाँ के विधायक को, यहाँ की सरकार को देखना चाहिए? बड़का गाँव क्षेत्र में बड़का गाँव प्रखंड पर्यटन स्थलों का धनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बड़का गाँव प्रखंड के नापो कला पंचायत में इसको गुफा है। यह पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम गुफा माना जा रहा है। 1991 में इसे खोज किया गया था बोलीबाम के द्वारा, तब उस वक्त पुरातात्विक विज्ञान का यहाँ पे, पुरातात्विक विभाग का यहाँ पे नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद से 1991 के बाद से कोई पहल नहीं हुई, ना राज्य सरकार की और ना ही केंद्र सरकार की। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अगर पहल हो जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन केंद्र बन सकता है। इसको गुफा ही नहीं, आप चले जाइए तो उससे आगे पसरिया 2 का गुफा है, वहाँ भी बहुत मात्रा में शैलचित्र और गुफा मिले हैं, जिसका मैंने खोज किया हूँ, है ना। और इसके बाद आप गुफा के ही बात करें तो ये इधर है बड़का गाँव, जिधर चिरुडी बरवाडी है, वहाँ भी उसके बगल में भी एक पहाड़ है, वहाँ भी गुफा मिला है। तो देखा जाए कि बड़का गाँव प्रखंड में बहुत से गुफाएं हैं, बहुत से पर्यटन स्थल हैं। एक और दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीज़, ताली बजाओ पानी पाओ, यानी कि ताली बजाने से पानी बरसता है, यह दुनिया का सबसे हैरत अंगेज चीज़ है। और कहा जाता है कि विश्व में आठवां अजूबा के रूप में अगर बरसे पानी को अगर डाला जाए तो यह भी किसी से कम नहीं होगा। यानी मिला जुला कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़का गाँव पर्यटन स्थलों को की ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान देती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सबसे बड़ा राजस्व लाभ मिल सकता है, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, और यह क्षेत्र पुरातात्विक विज्ञान के क्षेत्र में और भौगोलिक विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा अध्ययन का केंद्र बन सकता है। अच्छे से यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं, छात्र छात्राएँ, उनको तकनीकी कॉलेज यदि अधिक मात्रा में खुले तो उनको तकनीकी ज्ञान मिलेगा और आने वाले कंपनियों में जो है उनको रोजगार भी मिलेगी। लेकिन एनटीपीसी मात्र एक अपना आईटीआई स्थापित किया है, वहाँ से भी वह अपना जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं अपना विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के उनको रोजगार देने की काम कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक यहाँ कोई पहल नहीं है, हायर एजुकेशन हो या तकनीकी एजुकेशन। रही बात इस वर्ष झारखंड में कृषि क्षेत्र में पैदावार धान का बहुत हुआ, लेकिन अभी तक पैक्स में, पंचायत में जो पैक्स स्थापित हुआ है, धान क्रय केंद्र जो खोला गया है, विधिवत अभी चालू नहीं किया गया। सारा किसानों का जो है धान दलाल बिचौलिया औने पौने दाम पर 10 से 1200 रुपये क्विंटल ले जा रहे हैं, और किसान मजबूरी होकर के उन लोग के पास बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास न मंडी है न रखने का गोदाम है, इसलिए अपना सारा पूंजी जो लगाए हैं, पूंजी भी निकालना है, मार्केट में पूंजी भी देना है उनको, और कब खुलेगा विधिवत इसकी कोई जानकारी नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस वर्ष अच्छा पैदावार का भी किसान फायदा नहीं ले पा रहे। तो आप लोग ने वैसा कुछ विधायक से कुछ कहा है कि जल्दी खुलवाना चाहिए या कुछ ऐसा? देखिए, ये तो पूरा राज्य सरकार का मामला है, विधायक स्थानीय तौर पर तो अभी एक दो उद्घाटन की है, लेकिन उन पैक्स वाला लोग का भी धान ऊपर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, जिसके कारण उन लोग भी नहीं ले पा रहा है गोदाम से, मिल में भी उन लोग को धान अभी नहीं जा रहा है। एक चीज और है कि यहाँ माइनिंग का क्षेत्र है, क्या माइनिंग का कुछ वैसा एजुकेशन जो पढ़ाई होना चाहिए जिससे लोग बच्चे यहाँ का घुस सके जो माइनिंग के क्षेत्र में?
हाँ, माइनिंग का जितना यहाँ कंपनियाँ आ रही हैं, करनपुरा, ये बड़का गांव, करनपुरा में तीन प्रखंड आता है, बड़का गांव, केरेडाड़ी और टंडवाई, तीनों प्रखंड मिला करके 35 से 40 कंपनियाँ आ रही हैं, लेकिन उस आधार पर यहाँ बच्चों की शिक्षा देने का काम नहीं शुरू किया। आप लोग ने जो बड़का की जो सच्चाई है, यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कोयला के क्षेत्र में हो, या किसान की हो, या रोज़गार की हो, आप लोगों ने पत्रकारों की ज़ुबानी सुना, यहाँ की खामियाँ, यहाँ की सच्चाई, जो काम यहाँ के विधायक के द्वारा किया गया है वो सुना। आप लोगों को और अधिक रूबरू करवाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। मनीष कुमार हमारे सहयोगी मुकेश के साथ, झारखंड, बड़का गांव।